शहर की ताजा खबरें देखने के लिए INBCN न्यूज को YouTube पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। विदर्भ ऑटो रिक्शा चालक फेडरेशन और विदर्भ चालक महासंघ की ओर से कई मांगों को लेकर शुक्रवार को शहर के संविधान चौक पर आंदोलन किया गया। इस वक्त बड़ी संख्या में ऑटो चालक उपस्थित थे। शहर के संविधान चौक पर विदर्भ ऑटो रिक्शा चालक फेडरेशन और विदर्भ चालक महासंघ की ओर से आंदोलन किया गया है। इन ऑटो चालकों की मांग है कि सरकार द्वारा 10,000 रुपए आर्थिक मदद, आत्महत्याग्रस्त ऑटो चालकों के परिवारों को सरकार की ओर से जल्द 10 लाख रुपयों की मदद निधि देना चाहिए। साथ ही COVID-19 महामारी का दौर खत्म होने तक ऑटो चालकों को 5,000 रुपए सरकार द्वारा मदद दी जानी चाहिए। ऐसी और अन्य मांगों को लेकर नारे निदर्शनों के साथ ऑटो चालकों द्वारा आंदोलन किया गया है। अल्ताफ अंसारी है, मैं लोक सेवा प्रीपेड ऑटो चालक मालक संगठन का अध्यक्ष हूँ और प्रीपेड ऑटो योजना चलाता हूँ। मैडम, मैं कुछ बातें ऐसी कहना चाहता हूँ कि जिससे सरकार को शायद फर्क पड़ जाए, क्योंकि देखिए सरकार ने हमको परमिट दिया, पैसा लिया, सरकार ने हमको ब्याज बिल्ला दिया, पैसा लिया, सरकार ने हमको टैक्सी का ड्रेस पहनाया, पैसा लिया, हमसे पासिंग फीस लेती, पैसा हमसे ही लेती पासिंग फीस का, परमिट रिन्यूअल करने जाते हमसे पैसा लेते, पुलिस वाले चालान बनाते वो भी पैसा लेते। जब सब कुछ सरकार हमारे लिए तय करती है तो सरकार का फर्ज ये है कि हमारे लिए भी उसने कुछ तय करना चाहिए। ये नहीं कि सरकार हमसे लेके हमारे ऊपर पूरा बर्डन डाल देती। जब सरकार को सब कुछ हमको सरकार दे रही, उसके बावजूद भी सरकार हम ऑटो चालकों पर ख्याल नहीं करती। ऐसे में 2020 में 14 या 16 तारीख को COVID-19 चालू हुआ, सरकार ने लॉकडाउन लगाई, लॉकडाउन लगाने के बाद में उसने सबसे पहले 21 दिन का बंद करी। 21 दिन के बंद में हमारी हालत ये हो गई कि हमारे घर घरों में खाने को नहीं था। उसके बाद में हमने आवाज़ लगाया, आवाज़ उठाया तो हमको 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूँ देना शुरू कर। मैं पूछता हूँ नरेंद्र मोदी साहब से कि 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूँ में वो अपना पेट भर सकते हैं कि जो एक घर के अंदर एक ऑटो चालकों के अंदर कम से कम 5 से 6 लोगों का परिवार रहे। ये 5 से 6 लोगों के परिवार के पीछे सोचिए कि नागपुर शहर में 15 से 20 हजार ऑटो है, उनके पीछे कितना बड़ा परिवार हो गया। क्या नरेंद्र मोदी को ये सुझाव नहीं दिया? दूसरी बात, गवर्नमेंट सर्वेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हो, इनको घर बैठे पेमेंट दिया है इन्होंने, लेकिन ऑटो चालकों पे ख्याल नहीं किया। इनको घर बैठे पेमेंट दिया, ऑटो चालकों को 1 रुपया नहीं दिया। क्यों ऐसा सरकार हमारे साथ में दूधभाव कर रही है? ये सरकार को दूधभाव नहीं करना चाहिए ऐसा, क्योंकि ऑटो चालक वो व्यक्ति है, महिला हो, बच्ची हो, बुड्ढे हो, जवान हो, आधी रात हो, देर रात हो, या सिंगल हो या अकेले हो, उसके घर तलक उसके जिम्मेदारी के साथ में उसको छोड़ के। हमारी मांग ये है कि हर महीने 5,000 रुपए प्रतिदिन, जिस दिन से COVID-19 चालू हुआ उस दिन से लेके आज तक के 5,000 रुपए मासिक मिलना चाहिए, और जो लोग मर चुके हैं आत्महत्या किए, उनको 10 लाख रुपए देना चाहिए सरकार से। यही हमारी मांग है उनसे। आगे हम और इससे बड़ा आंदोलन करने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है इससे ज्यादा बड़ी तादाद में करेंगे, क्योंकि COVID-19 के मामले में हम लोग सोच के इतने कम लोग आए, नहीं तो हम नागपुर के पूरे 15,000 ऑटो चालकों को एक जगह ला के और ये मांग करेंगे। आज हम नागपुर शहर में विदर्भ ऑटो फेडरेशन के माध्यम से पूरी 13 की 13 संगठन एक जगह आई है। मेरा नाम अल्ताफ अंसारी है, मैं लोक सेवा प्रीपेड ऑटो चालक मालक रेलवे स्टेशन का अध्यक्ष हूँ मैडम, और मैं प्रीपेड से रेलवे से जितने भी प्रवासी उतरते इनके घर तलक आधी रात को बोलो या कितनी भी रात को बोलो, इनको बाकायदा पद्धत सीरी से और पूरे जिम्मेदारी के साथ गली हो, कुचा हो या शहर से बाहर हो, उसको बाकायदा हम लोग ले जाके छोड़ते हैं रेलवे स्टेशन के ऑटो चालक। माझं नाव चरणदास वानखेडे, मी विदर्भ ऑटो रिक्षा चालक महासंघ आणि नागपूर जिल्हा ऑटो चालक मालक महासंघाचा महासचिव। आजचं हे जे आंदोलन, नारे निदर्शनाचं आंदोलन आहे, हे आंदोलन करण्याच्या मागचं भूमिका अशी आहे की 4.5 महिन्यापासून जेव्हापासून 22 तारखेपासून मार्चच्या लॉकडाऊन लागलं आणि हे सर्व ऑटो चालक घरी बसलेले आहे, आणि घरी बसले असल्यामुळे त्यांना कुठलाही रोजगार नाही, आणि रोजगार नसल्यामुळे त्यांच्या घरची परिस्थिती एकदम हलाकीची झालेली आहे, त्यांच्या परिवारावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे, आणि त्यामुळे सरकारने जर आम्हाला घरी बसवायचं असेल तर सरकारने किमान आम्हाला कमीत कमी 5,000 रुपये मासिक मिळाले पाहिजे कोविड काळ संपेपर्यंत। आणि आता तुम्हाला माहीत असेल की आज जे गाड्या ऑटो रिक्षा घेतलेल्या आहेत त्या फायनान्सरकडून घेतलेल्या आहेत, फायनान्सरचे त्यांना फोन येतात, दबाव आणला जातो, आणि किरायाच्या गाड्या आहे, भाड्याचे घर आहे, आणि त्यांनी त्यामुळे एक 22 वर्षाचा मुलगा आत्महत्या करून मेला। नागपूरमध्ये 10 ऑटो रिक्षा चालकांनी आत्महत्या केली आहे, हे कशासाठी केली?
की त्यांना कुठली मदत नाही आहे. त्यामुळे सरकारने आत्महत्याग्रस्त परिवारांना त्यांच्या परिवारांना सहानुभूती म्हणून 10 लाख रुपये त्यांना देण्यात यावे अशी आमची मागणी आहे आणि यामुळेच आम्ही आज हे आंदोलन केलेलं आहे. नाही आम्ही संघर्षशील लोक आहोत, आम्ही रस्त्यावरचे लोक आहोत, आम्ही रस्त्यावर सरकारला मागणी करू. कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन किया गया, तब से लेकर अब तक ऑटो रिक्शा बंद है जो जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की गई है. साथ ही अन्य मांगों को लेकर यह आंदोलन किया गया है. मांग पूरी न होने पर तीव्र आंदोलन की चेतावनी भी ऑटो चालकों की ओर से दी गई है. कैमरा पर्सन सुभाष भुटले के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, INBCN न्यूज, नागपुर.